अभी 7 मिनट रहते हैं जी इफ्तारी में। इसके साथ जी शामी होंगे, चिकन दाबू होगा, हमारी चिप्स होगी और मसर का। देखें बेगम, एक नजर मारे जरा, मिक्स हो गया जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, क्या बात है जनाब की पापा। ये बजान का सोल में, वैसे भी सोल में 70वां है। नहीं, 16वां नहीं है, 70वां नहीं है, 16वां। चले पहले चिप्स बना लेते हैं ताकि बच्चे तो आ रहे लगे ना। हाँ जी जी, साहिद भाई जा रहे हैं आप? जी भाई, मैं पानी और खजूर लेने जा रहा हूं। चलो चलो आ जाए। दुआ बेटा, दुआ तो हमारी किचन में इफ्तारी का सामान बना रही थी। किधर बेगम जा रहे हैं आप? अल्लाह देखे बेगम, क्या रह गया आपका? अभी तो मैंने चावल बनाने हैं, टिक्कियों का मसाला आपने बनाना है। टिक्कियों का मसाला तो मैंने बनाया, मिक्स भी मैंने करना है। जी जी, और ये सलाद भी खा लिया, मैं चावल बनाने। सलाद बन गया, अंडे माशाल्लाह बन गए हैं और चिप्स कट गई है। अंडे बने नहीं, अंडे इसमें मिक्स करने हैं। अच्छा, ये अंडे इसमें मिक्स करेंगे। ये शामी कबाब बना रहे हैं जी। ये अम्मा जान ने पकौड़े भेजे हैं जी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अम्मा जान भी अपनी इफ्तारी का सामान बनाने में मसरूफ हैं। अम्मा जान इफ्तारी तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, अम्मा जान गरीबों का जो है ना चिकन फ्राई कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये गरीबों का क्या पकौड़े हैं, गर्मा गर्म। इधर देखें आप जरा, हजरत चप्पल पहन लो अपनी। बेगम आज हमें इफ्तारी का सामान नहीं बनाना पड़ेगा, जैनब और दुआ जा रहे हैं बाजार, तो ये आते हुए ले आएंगे। क्या क्या ले गया ना भला? 1 किलो खजूर ले गया नहीं है, और खाने के लिए कोई सालन ले आना अच्छा सा, और रोटियां साथ ले आना 50। बनाना बंद कर दें बेगम आप। क्यों? जैनब जा रही है बाजार इफ्तारी का सामान लेने। ठीक है भाई, आप लोग रहने दो, हम खुद बनाने लगे इफ्तारी का सामान। लाए बेगम हमारे लायक कोई खिदमत हो। चावल आप दो लाए, मैं बाकी सामान तैयार कर लूं। चलिए, आप नहीं जाओगे साथ? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से माशाल्लाह, हम भी सारे ठीक ठाक हैं। ये लें बेगम जी। इधर आप जी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने वो चिप्स बनाने के लिए आलू काट लिए हैं, और शामी कबाब बनाने के लिए उसका मसाला तैयार कर लिया। अम्मा जान ने हमसे पहले जो देखे सारी का सामान रेडी कर लिया, घोड़े हमें भेज भी दिए हैं। हाँ जी, और इसके नीचे चिकन है फ्राई करने के लिए। जी आप क्यों आए हो जी? अभी तो कुछ नहीं बना जो आप खा सको। ये क्या हो गया आपको आँख में? आँख में 13 रुपया। अब तो काफी बेहतर हो गया, कल ज्यादा सूजी हुई थी आँख मोहम्मद की। जी बेगम, मैं जरा अपने कफ ऊपर कर लूँ। है आप क्या करने लगे हैं? अब जी मैं अपनी बेगम साहबा के साथ किचन के कामों में हेल्प करने लगा। क्या दुआ कह रही? हम बाजार नहीं जा रहे, कोई चीज नहीं लेने जा रहे हम। आपका और मेरा कोई मजाक बनता है? नहीं ना बनता, तो फिर क्यों किया? क्यों किया हमारे साथ मजाक इतना बड़ा? चलो जी आओ जी, इस सलाद को तो रखते हैं बेगम, इधर रख देते हैं। ठीक है, मिस्त्रियों का काम जी कब खत्म होना बेगम? मिस्त्रियों का काम खत्म इंशाल्लाह हो जाएगा 5-7 दिन में इंशाल्लाह। चले मैं आपको दिखाता हूँ, हमारा घर काफी प्लस्तर हो चुका है, और प्लस्तर होने के बाद बड़ा प्यारा लग रहा है। आ जाए, ये है कि खलारा शलारा अभी खत्म नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई लोग? आप सब खैरियत से हैं? ये किचन और ऊपर गैलरी, पीछे वाशरूम है, ये प्लस्तर हो गए हैं। और ये देखें इधर अम्मा जान का कमरा, ये भी सारा प्लस्तर हो चुका है, बाहर से भी सारा प्लस्तर हो चुका है। ये इस तरफ दिखाएं सारी दीवार, तकरीबन 4-5 दिन का काम रह गया। आ जाओ बच्चों, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाए, आ जाए, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें अम्मा जान अपनी इफ्तारी बनाने में मसरूफ है। क्या पका रहे हैं गरीबों का? ये चिकन फ्राई हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चिकन फ्राई हो रहा है जी, गरीबों का हो रहा है जी, माशाल्लाह। आ जाए, आमीन आमीन। ये देखें जी, ये देखें हमारे चूजे हैं सारे माशाल्लाह जी। बाहर का माहौल है, अभी इफ्तारी होने में काफी टाइम रहता है। इस तरफ हमारी गाड़ी है। आ जाए, आ जाए अब्बा जान। ये धनिया लेके आए अब्बा जान, हमने अपना लगाया हुआ जी धनिया डेरे पे। अब्बा जान वालेकुम सलाम। अब्बा जान आई सोल मरोड़ा माशाल्लाह। अब्बा जान का सोल में, वैसे भी सोल में 70वां है। नहीं, 16वां नहीं है, 70वां नहीं है, 16वां। क्या कर रहे हैं भाई? ठीक है ठीक है, हो जाना। वैसे आप स्मार्ट हो गए हैं रमजान में। ये तो लोहे की तरह सख्त है, इसको कैसे मैं मिक्स करूंगा? जब आप इसको मसलेंगे ना तो ये नरम हो जाएगा। तो पानी नहीं डालना इसमें? नहीं नहीं, इसमें पानी डाल। बेगम साहब चावल बनाने लगे हैं, और उतनी देर में मैं ये शामी कबाब इंशाल्लाह
करीब करीब तैयार कर लूंगा। पापा ये सिलेंडर ऑन कर दीजिए। ये सिलेंडर हो गया ऑन। बिस्मिल्लाह। चावल कौन से बना रहे हैं आज उबले? राम से देखो कहीं जाना है हमने। ओ हजरत क्या हो गया सर जी, क्या हो गया? अभी तक कुछ नहीं बना, जो आप आ रहे हो ना बार बार किचन में, मैं सारी बात समझ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह। अब इसको मिक्स कर दूं? जी लो जी, अब अंडे मिक्स होंगे इसमें। अब कुछ नरम हुआ बेगम अंडे डालने के बाद? ये लो हजरत मिक्स हो गया सारा मसाला। नहीं अभी एक चीज रहती है। चलो जी फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, गरम मसाला अभी डालना। पहले मैं हाफ हो गया हूँ, थक गया हूँ, लेकिन यह क्या आक नहीं गया। चले मिक्स करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए बेगम एक नजर मारे, जरा मिक्स हो गया जी, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। क्या बात है जनाब की पापा, ये दोबारा आपने मेहनत करवाई है मुझसे। जी हजरत सरसों का तेल भी हम फ्रिज में रखते हैं, ठंडा ठंडा करके लगाते हैं ना सार में, फिर वो होश आ जाती है। बेटा आप एक जगह बैठ जाओ ना। ये लो हजरत हो गया, इसको धोना नहीं था ना, बस पानी निकालना था ना पहले वाला। आप मुझे ये चावलों का पानी बना के ला के मेरे ना, चले पानी बॉयल हो गया, साथ हाथ भी धो लूंगा जी। हाँ जी लो जी चावलों से पानी भी निकल गया, पानी को बॉयल आ भी गया। चावल तो हमारे फिर पकने वाले हैं। चिकन हूँ मुझे तो याद ना, उसको थोड़ा मिक्स कर लो। सबसे पहले हम बनाएंगे शामी कबाब? नहीं नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन दाबू। चिकन दाबू फिर उसके बाद शामी कबाब, फिर चिप्स बनेंगे है, और चावल जो है वो पकने वाले हैं बस 5 मिनट में। जी हजरत अभी तक कुछ नहीं बना आपके खाने के लिए, अभी हम पहले चिप्स बना लेते हैं ना बच्चों के लिए। अच्छा जी जी, चले पहले चिप्स बना लेते हैं ताकि बच्चे तो आ रहे लगे ना। है जी लाए जी, ये आ गई हमारी रात में सारी चिप्स। बिस्मिल्लाह जी, और ये देखें बेसन, और इसमें वो मैदा भी डालना है। हम ना जब भी चिप्स बनाते हैं या कोई इस तरह का वो चिकन फ्राई करते हैं दाबू, तो उसमें मैदा इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करते हैं, फिर थोड़ा वो बेसन भी डाल लेते हैं, इससे जो है ना फिर वो फूड कलर भी डाल लेते हैं। अच्छा कलर देखिए, मैं मैदा डाल रहा हूं। हाँ बस करें बस करें, ये चाट मसाला मिक्स करें। अच्छा चाट मसाला 1 चम्मच बहुत है बेगम? लो जी आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर देती हूं। मैं जब करता हूं जी इसको मिक्स। लो जी ये हो गया मिक्स हजरत। मैं भी चावलों को दम पे रख के मैं भी नमाज अदा कर लेती। चलें जी मिलते हैं असर की नमाज के बाद। A few moments later, मैंने असर की नमाज अदा कर ली है, किचन में चलते हैं और नए सिरे से सारी बनाना शुरू करते हैं। उतनी देर में बेगम साहिबा भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करूँ, बिस्मिल्लाह चूल्हा ऑन करता हूँ। इधर आयल रखा होता है बेगम ने, एक तो बीवियों की चीजें रखी हुई ना नजर ही नहीं आती, किधर रख देते हैं ये लोग। बिस्मिल्लाह, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। ओए हुए 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 हुए, मिल तो गया लेकिन उसका ढकना खुला हुआ था। बिस्मिल्लाह जी, सबसे पहले हम बनाएंगे जी इसमें चिप्स, ताकि बच्चे थोड़ा इफ्तारी तक आ रहे लगे। साजिद भाई गए थे फिल्टर का पानी लेने, तो 7 खजूरें खत्म हो गई थी, वो भी लेके आए हैं। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये हमारे करीबी ना बहुत बड़ा फिल्टर और अच्छा फिल्टर है, वहाँ से हम पानी ला के घर में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए। और वो साजिद भाई खजूरें भी आ गई हैं माशाल्लाह जी, खाने वाली चीज़ें आई हैं, बच्चे सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने आयल भी गर्म होने के लिए रख दिया। ये मेरा पहला लफाफा जो है ना साजिद भाई का। साजिद भाई ये लफाफा आपके? मुझे पहले लग रहा था। लो जी अंडे भी आ गए हैं ये दर्जन माशाल्लाह, हमारे चावल पक चुके हैं जी माशाल्लाह, देखें माशाल्लाह उबले चावल बने हैं। इसके साथ ही शामी होंगे, चिकन दाबू होगा, हमारी चिप्स होगी और मसर का सालन भी, और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें होंगी, और अम्मा जान के बनाए हुए पकौड़े भी होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बेगम आप अंडे तो तोड़ लेना दो। जी जी मैं साजिद भाई का इंतजार कर रही थी, अंडे कम थे ना। अच्छा शामी को लगाने लगे। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। दुआ बेटा अभी आपकी चिप्स रेडी होने वाली है, फिर उसके बाद आएगी जी बारी चिकन दाबू की। हाँ जी चिकन दाबू इसके बाद फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये ले जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। चले जी उधर देखते हैं मजान की इफ्तारी तैयार हो गई है कि नहीं। आ गए गोल पकानी है मजान की टेढ़ी मेढ़ी? जी पक जी अल्लाह का शुक्र कर छे खा गए। मुर्गियां दिखाए हमारी और ये मुर्गियां इकट्ठी करने वाला भाई भी दिखाए। ले मजान ये हमारे तरफ से आपकी रोटी है, ये देखें दिल बनाया, ये देखिए हम मजान के लिए दिल बनाया हमने। पापा पीछे ओ लो जी लो जी लो जी लो जी लो जी
अच्छा बेगम मुझे वो दो टिश्यू देना। बहुत शुक्रिया दो, थैंक यू। बिस्मिल्लाह जी, ये ले जी हजरत, हमारी चिप्स रेडी हो गई है। चलें जी, अब बारी है जी हमारे चिकन दाबू की। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आप शामी बना, मैं आपको टिक्कियां बना के देता हूँ ना। चलें जी, जितनी देर चिकन दाबू रेडी होता है उतनी देर में हम बेगम को टिक्कियां बना के देते हैं। देखें बेगम, ये सारे टिक्की नहीं जैनब के पापा छोटी छोटी बनाई है, आधी कर लूं। ये लें जी, हमने प्लेट को पहले लगा लिया ऑयल, ताकि जो मैं टिक्कियां बना के प्लेट में रखूँ ना तो वो प्लेट के साथ चिपके ना। बेगम ये देखें, ये सारे चीज है टिक्की का, ये देख। बेगम चिकन लगता है ज्यादा रेड हो रहा है। कितनी टिक्कियां बनानी है तकरीबन बेगम? सब की एक एक। दो दो बेगम होना चाहिए, एक एक से किसी क्या बनता है। ये होगी जी हमारी चिकन दाबू के लिए ट्रे रेडी। ये लो जी बेगम, पहले जब भी बनाते थे वो टिक्कियां जो थी ना वो टूट जाती थी। इस दफा आपने लगता कहीं स्पेशल जो है ना कोर्स किया है। बिस्मिल्लाह जी, चिकन निकाले, चिकन ज्यादा ऐड होना शुरू हो गया जी। ये लें जी, वहाँ कह रहे जी बोटियाँ छोटी छोटी हैं, मैं आपको ये छुरी से छोटी छोटी ही ना काट दूँ, काट दूँ। ये किचन हमारा सारा खाली होता था पहले, ये दूसरी तरफ काम शुरू कराया ना हमने, उस वजह से उधर का सारा सामान हमने किचन में रखा हुआ है। ये गंदों में थैले भर भर के इधर रखी हुई जी। छोटी टोली उधर देखते हो, छोटी टोली, छोटी टोली दो बेगम मोमन को। वैसे ये बात थी कोई मौज है, क्यों बेगम रमजान में नेमतें मोमन की बढ़ जाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है। बेगम थोड़ी गिनती मारनी थी, कितने हो गए शाम के बाद? भाई जी बारिश होने वाली है, चलें दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऊपर देखें कितने बादल छाए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह, चारों तरफ दिखाएं कैसे मंजर है, माशाल्लाह कितना प्यारा मौसम है। तो बारिश के बरसने से ना ये जो मवेशियों के लिए चारा ना ये और अच्छा निकल आता है, लेकिन ये जो गंदम है ना उसका माड़ा हाल हो जाता है। चलो जानम आ जाओ बेटा, चलें जी नीचे चलते हैं अपने किचन में, सारी का सामान रेडी करते हैं। आ जाओ, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जानम बेटा पकड़ो उधर से, टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, देखें 15 मिनट तकरीबन रह गए अफ्तारी में, तो हम दस्तरखान लगा लें। सलाद हो गया, ये चिकन दाबू हो गया जी, चिप्स तो आपने खत्म कर दिया लगभग आधी। ये हमारी शामी टिक्कियां भी रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हो गई जी शामी टिक्कियां, ये जी लान बनाया अभी, ये क्योंकि बहुत ज्यादा गीला है, गीली जगह है, सुबह शाम पानी लग रहा है इधर, इस वजह से ना हम ऊपर नहीं चढ़ते, सफाई नहीं कर सकते इसकी। ये देखें कितने शानदार माशाल्लाह पौधे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, सारे हरे भरे हैं, सारे चाल पड़े हैं माशाल्लाह। ये देखें चारों तरफ हरियाली है माशाल्लाह। अरे ये हमारा इस तरफ डेरा है प्यारा सा, आ जाए आ जाए। अभी 7 मिनट रहते हैं जी इफ्तारी में, वो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं ठा लूं जी। आओ जी, मैं पाऊँ दो दिन दुआ के, पाऊ गंदे हो गए, ठीक है दुआ। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो बेगम जल्दी करो, चलो जी आ जाओ जी, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, एक मिनट दुआ भी करनी है बैठ के। अच्छा अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा, तू ही मुझे इसका सवाब अता फरमा, और मैं कल के रोजे की अभी से नियत करता हूँ, कल का रोजा रखने की मुझे तौफीक अता फरमा मेरे मालिक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इधर रखते जाओ जाने बेटा, चलें जी टाइम देख लें, अभी इफ्तारी के बिल्कुल करीब हो गया, तो अब हमें इजाजत दें, मिलते हैं अगले किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।